अग्निवीर बहुत बड़ी बढ़िया योजना है कि सब कोई जाके उसमें पार्टिसिपेट करे। अगर इस तरीके से चला तो फिर तब तो मुश्किल ही है। अगर हमें तो नहीं लगता कि ये सफल है इसमें, क्योंकि ना तो जितना टाइम बता उतना टाइम दिया जा रहा है और ना ही उस हिसाब से लड़के लिए जा रहे हैं। मगर कम से कम जितना मतलब टाइमिंग मिला मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है हमको ना जी। क्योंकि ये सारे लड़के भाग गए थे। भाग क्यों रहे हो? गोली तो सीने पे खाओगे, कैमरे के सामने तो आओगे या नहीं आओगे? जहां भर्तियां हो रही वहां से भी तस्वीरें निकल कर आ रही कि युवाओं पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, उन पर लाठियां बांधी जा रही हैं। चार साल से तो यहां हम लोग तैयारी कर रहे हैं और चार साल की ड्यूटी के लिए चार साल की दौड़ कम लेते हैं। आपका कहना यह है कि पक्षपात और धांधली है? एग्जाम होते फिर उसमें धांधली है। मगर उम्मीद तो कर रहे हैं हम कि एग्जाम होगा। उम्मीद तो वीडियो वाले ने की थी, जिन्होंने पेपर निकाला ना उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली। बिल्कुल सही बात है ये नहीं। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई भी कर रहे हैं, अग्निवीर बनना भी चाहते हैं, परंतु हमने देखा है कि जहां पर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है यानी कि कोटद्वार में, वहां भीड़ जाती है और अगर एक ग्रुप 300 का है तो उसमें से 10 का सिलेक्शन होता है। हाइट की भी गड़बड़ है, क्योंकि हमारे यहां के लिए जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि हमारे यहां जो लड़के होते हैं उनकी हाइट कम होती है, इसलिए हमारे लिए मानक थोड़े से कम होते हैं, मगर उसकी कोई नहीं देख रहा। सेम हाइट के लोग उनको लिया नहीं जा रहा, हाइट के बेसिस पर लंबे को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और हमारे जो अग्निपथ योजना के तहत बच्चे जा रहे हैं उनके लिए सतपाल महाराज ने राजनाथ सिंह जी को क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि इसमें बड़ी सारी खामियां हैं, इसको ठीक करना चाहिए। इनको 5 मिनट 40 सेकंड दिए जाते हैं दौड़ने के लिए, मगर वहाँ पर कोई 5 मिनट में रेस ख़त्म हो जा रही है, कभी 5 मिनट 30 सेकंड में, कभी 5 मिनट 20 सेकंड में, तो साहेब की जो मर्ज़ी है वही कर रहे हैं। अब जो चीज़ हमारे सैनिकों को सीनियर अफसरों की निगरानी में करना चाहिए था, वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज सरकार की योजना है, ये तो मोदी जी ने कहा, तो सरकार की योजना में सरकार की दखलअंदाजी सेना में हो, क्या ये आपको मंजूर है? मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून यानी कि हमारा दिल, और ये दिल का परेड ग्राउंड, परेड ग्राउंड में हमारे उत्तराखंड के बच्चे इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की तमन्ना है, हर एक की इच्छा है कि वो भी सेलेक्ट हो और बने अग्निवीर। चाहे कितना भी दुख हो लेकिन कोशिश तो करनी ही होती है ना, खुश नहीं है मगर कोशिश वो करेंगे कि भैया हम 4 साल के लिए ही सिलेक्ट हो जाए, क्यों सही कहा ना मैंने, और 4 साल के लिए सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद उम्मीद करेंगे कि कम से कम 25% में आ जाए, जो 25% परमानेंट हो जाए। तो हमारे ये बच्चे क्या कह रहे हैं इनकी मैं सुनना ज़रूर चाहूँगी। आपकी डेट कब आएगी? 28। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से हो आप? चक्रता से। चक्रता। आप? ट्यूनी। चक्राता से बहुत सारे जने हैं आप लोग, और ट्यूनी भी चक्राता के तहत आता है ना, तो आपके विधायक कौन है? प्रीतम सिंह चौहान। तो वहाँ पे जो मानक में जो गड़बड़ी हो रही है, जो इस वक्त हो रहा है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने विधायक को ज़रूर से इस बात को बोलना कि इस बात को वो उठाए, ताकि आप सामने ना आओ। लेकिन वहाँ पर जो 5 मिनट 40 सेकंड का या हाइट की प्रॉब्लम है या तमाम तरह की और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। आपको क्या उम्मीद है बताओ? मैम अगर इस तरीके से चला तो फिर तब तो मुश्किल ही है। अगर इस तरीके से टाइम ना दिया जाए, टाइम 4:40 5:40 का दिया जाता है, पिछली बार भी यही हुआ, इस बार तो कह रहे, कोई कह रहे 5:10 में हो रहा है समाप्त, और कोई कह रहे 5:08 पे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक टाइम दिया जा रहा है। हाँ आप क्या कह रहे थे? कि अब कोई कह रहा है कि 5 में ख़त्म कर रहा है, कोई 5:10 पे 15 पे ऐसी अपनी मर्जी से। हाँ सरकारी योजना जब बनती है, जबकि 60-70 लिए जाते थे, इस बार कह रहे 10-12 जा से 15 लिए जा रहे हैं, मतलब 300 में से पहले 75 के करीब लेते थे, इस बार 300 में से 10-15 के बीच ही ले रहे हैं। आप कब जा रहे हो? 28 को जाएंगे मैम यहाँ से। हाँ 28 को है, तो वहाँ पर तो बोल नहीं पाओगे है ना, अगर उन्होंने यही 5:40 का 5 मिनट या 5:10 कर दिया फिर क्या करोगे?
फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, और टाइम उन्होंने पूरा नहीं दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन जो बात मैंने कही है उस बात को याद रखना, क्योंकि अगर जाके बोलोगे अपने विधायक को तो विधायक का काम है आप लोगों की बात को उठाना, है ना। और जो जहाँ का विधायक हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का, ये सब मत देखना, बस अपनी बात बोलो, बोलो कि मेरे मुद्दे को उठाओ। विधायक जी, मैं प्रीतम सिंह जी को कह रही हूँ कि आपके क्षेत्र के बच्चे जा रहे हैं कोर्ट द्वार, और अगर उनके साथ नाइंसाफी होती है तो प्रीतम सिंह जी आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आप अगर इस विषय को नहीं उठाएंगे, सरकार में बैठा सरकार का मंत्री सरकार की योजना के विरोध में बोल रहा है, और अगर आप इस बात को नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब ही है कि आप अपना कार्य कर ही नहीं रहे। क्यों, मैंने ठीक बोला, है ना, विधायक का काम है, इसलिए जरूर से बोलना। और कौन जा रहा है 27 तारीख को, आप लोग जा रहे हो, नहीं जा रहे, कौन जा रहा है? सब डर रहे हैं, देखो कैसे भाग रहे हैं, जैसे ही कैमरा मुड़ेगा ना वैसे ही सब भागेंगे सरपट। एक ने तो मुंह पे गमछा ही लगा दिया है। कब जा रहे हो बताओ, नहीं है, अच्छा मुंह में गमछा हट गया, कौन जा रहा, देखो देखो आप देखो कैसे डर रहे हैं, मतलब ये डर, ये सरकार ऐसा बना रही है योजना इन बच्चों के लिए, और बच्चे हमारे डर रहे हैं। आखिर क्या कर रही है ये सरकार, और मैं नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहती हूँ, क्या ये देश है हमारा जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे डरे, अपने अधिकार के लिए लड़ ना सके, अपने अधिकार के लिए आवाज़ ना उठा सके? ये गलत है प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोकतंत्र है, हमारे बच्चों को उनकी आवाज़ उठानी होगी, और अगर हमारे बच्चे डरेंगे तो हम हैं उनके संरक्षण, उनके लिए ज़रूर से आवाज़ उठाएंगे। और देखती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ, आप देख रहे हैं ना कैसे भाग रहे बच्चे, कोशिश करती हूँ। आप लोग भी अग्निवीर के लिए जा रहे हो, सब भाग जाएंगे अभी देखना, आप लोग अग्निवीर के लिए जा रहे हो, हैं? ये अपनी बात रखिए। अरे क्या एक्सरसाइज, देखो कितना फिट हो तुम लोग, हैं? और भी कोई भरा है? सब भागेंगे, अब सब भागेंगे, क्यों भाग रहे हो, डर रहे हो तो? अरे और सेना में जाओगे और डर जाओगे? एक्सरसाइज करते करते बताओ कब है तुम्हारी तारीख? 28 को क्या उम्मीद है, आइए बताइए, बताओ क्या उम्मीद है? निकल जाएंगे, निकल जाओगे, शुभकामनाएं है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, 4 साल बाद? 4 साल बाद? हाँ, कुछ और देखेंगे, कुछ और देखेंगे। अच्छा, कुछ और देखेंगे, और 25% में क्यों नहीं आओगे, परमानेंट हो जाओगे अगर 25% में आओगे? 25% तो जरूरी नहीं है कि 25% अगर अंदर धांधली हो जाएगी तो। हाँ अच्छा, धांधलीबाजी भी हो रही है, हो जाएगा तो। अच्छा, नहीं ये नहीं सोचते हम सोचते कि नहीं हम 25%। हाँ तो 25% हम तो परफेक्ट है, परफेक्ट हो, अच्छा परफेक्ट हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो वापस कब आ रहे हो कोर्ट द्वार से? कोटद्वार अब हम 6 को जाएंगे। 6 को जाओगे? हाँ। 6 को है तारीख, 8 को होगी तारीख, 6 को है तो उसके पहले जाओगे? हाँ हम जाएंगे, ऐसे 4 को निकल जाएंगे। 4 को निकलोगे, ठीक है, तो वापस आओगे? हाँ वापस तो फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने आएंगे, फिर तैयारी करेंगे, तब मैं पूछने आऊंगी ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ। बिल्कुल कोई नहीं, है ना, कहाँ मिलोगे? करणपुर। अच्छा करणपुर में, अपना नंबर दे देना, कोई नहीं है, नंबर कोई ले लेगा, ठीक है, मुझे नंबर अभी चाहिए, ठीक है। देखो भागे 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 भागे, डर रहे हो तुम, सेना में जा रहे हो और डर रहे हो, आखिर क्या हो रहा है, सब डर के भाग रहे हो। अरे इधर तो डर के, क्यों डंडे? हाँ डरे तो डरे क्यों ना, डंडे जो पड़ते हैं हम पर क्यों पड़ेंगे डंडे? मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ ताकि वो जो 5 मिनट 40 सेकंड का समय है वो आपको मिले, और मैं इतना आवाज़ कर दूँ कि नहीं, अगर मैं इस बात को उठाऊंगी तो 5 मिनट 40 सेकंड कैसे नहीं होंगे, मैं ये देखना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए आप लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी ना, वो तो मुझे पता है कि होगा या नहीं होगा। सरकार आपको क्या लगता है कि जब मैं इसको फेसबुक और यूट्यूब में डालूंगी तो देखेगी नहीं? सरकार डरेगी, सरकार देखेगी, क्योंकि सरकार जानती है कि देश में अगर हमारे जैसे लोग हैं तो वो आप लोगों की आवाज़ है। आप डर के छुप जाओ, लेकिन मैं आप लोगों को शक्ति देती रहूँगी, क्योंकि आप इस राज्य के बच्चे हो, और आप डरो लेकिन मैं नहीं डरूंगी, मैं आपके लिए कर रही हूँ। ये चीज़ समझ में आ रही है? मैं 5 मिनट 40 सेकंड वाली बात कर रही हूँ अभी सिर्फ, ताकि आप लोगों को गलत तरीके से रिजेक्ट ना किया जाए। गलत कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ ना? अच्छा है, ठीक है। तो बच्चे डरते हैं, मगर मैं आपको दिखाती हूँ और भी बच्चे बहुत से हैं जो, हाँ बच्चे जो हैं
वो डर रहे हैं कैमरे के सामने आने के लिए, क्योंकि अभी उनका टेस्ट है। बेटा आप भी बड़े होकर अग्निवीर में जाओगे? जाओगे? अच्छा, तो अग्निवीर बनोगे। फिल्म देखी अग्निपथ? हाँ जी। कब देखी थी? मैम ये जब ये आई थी तब देखी थी। अच्छा, तब पता चला, एक पिक्चर भी थी तो हम अग्निपथ देखते हैं। तो अग्निपथ योजना के बारे में क्या बता सकते हो? इतना तो पता नहीं मैम हमें। उसमें सेना में जाते हो? यस मैम। हाँ, 4 साल के लिए? जी। बस 4 साल के लिए? नहीं नहीं, अपनी जितनी जितना हमें हमसे हो पाएगा उतना हम आगे तक जाएंगे। हाँ, और देश के लिए अपना मान सम्मान बढ़ाएंगे और को बताएंगे कि अग्निवीर बहुत बड़ी बढ़िया योजना है, कि सब कोई जाके उसमें पार्टिसिपेट करे। अच्छा, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो लेकिन इसमें जाना है। हाँ, क्योंकि देश के लिए मर मिटना है। जी है। हाँ जी। और 4 साल के बाद तो देश के लिए कौन मरेगा? है? उसमें क्या बोलते हैं, 4 साल के बाद जब जो चुना नहीं जाएगा फिर? मैम उसमें पैरा कमांडो है तो मैम। अच्छा, पैरा कमांडो में सीधा जाएंगे उसमें। पर पैरा कमांडो जो है वो आपको वही रैंक देगा जो अग्निवीर देगा? नो मैम, वो तो नहीं दे पाएगा, लेकिन बार कोई बात नहीं, वो तो कोई नहीं करोगे, वो तो मीडियम भी देगा तो तभी भी चल जाएगा। हाँ, कब कितने साल बाद तुम करोगे? मैम नेक्स्ट ईयर से, मतलब 2 ईयर्स के बाद मैं तुरंत जाऊंगा। अच्छा, 2 साल के बाद ट्राई करोगे। जी। कहाँ से हो? मैं यूपी से। यूपी से? देहरादून में क्या कर रहे हो? मैम यहीं पे हम स्टडी कर रहे हैं ना जरा। कहाँ? ये क्या बोलते हैं, दून वंडर्स स्कूल है। हाँ, वहीं पे। अच्छा, दून वंडर स्कूल में ये तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, परंतु अभी भी देखो हमारे कैमरे के पीछे तो बहुत लोग हैं, सामने कोई नहीं दिख रहा। बोलोगे? देखो कैसे भागे। देखना जरूर कि मोदी जी ने सबको ऐसा डराया है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने को कोई तैयार नहीं है। सब बोल रहे हैं कैमरे के पीछे कि योजना ठीक नहीं है, परंतु जैसे ही कैमरा देखते हैं, अरे तुम गोलियों का सामना करने वाले सैनिक बनने वाले हो, तुम कैमरे का सामना नहीं कर पा रहे, आखिर क्यों? तो हम चलते हैं आगे। आगे भी बहुत सारे बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। मैं माइक दूंगी यश को। यश, आप आगे पूछिए इनसे। जी, आपको पता है ये सरकार कितनी अपने मायनों में विफल रही है, जिस तरीके से GST व्यापारियों को नहीं समझा पाई, चीन की घुसपैठ राष्ट्रवादियों को नहीं समझा पाई, लॉकडाउन मजदूरों को नहीं समझा पाई, उसी तरीके से ये अग्निवीर अग्निपथ योजना जो है वो इन युवाओं को नहीं समझा पा रही हैं। हम जानते हैं इन युवाओं से वैसे तो डर और खौफ इतना इनके अंदर बना हुआ है कि अपने हक की आवाज़ भी ये उठा नहीं सकते। जी हाँ, आज देश का लोकतंत्र उस मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है जब युवा अपनी आवाज़ खुद अपने से भी नहीं निकाल सकता है। इनसे अगर हम पूछें तो इनके मन में खौफ बना पड़ा है कि अगर ये अपने हक की आवाज़ उठाएंगे तो सरकार इनके साथ क्या करेगी, क्या होगा इनके भविष्य का। आपसे हम जानते हैं, आप भी अग्निवीर की शायद से तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये योजना जो अग्निपथ निकाली है ये कितने मायनों में सफल है? हमें तो नहीं लगता कि ये सफल है इसमें, क्योंकि ना तो जितना टाइम बता रखा उतना टाइम दिया जा रहा है और ना ही उस हिसाब से लड़के लिए जा रहे हैं। तो ये सफल है या नहीं? हम ये बिल्कुल सफल नहीं है। आपको क्या लगता है कि 4 साल के बाद आपका उज्जवल भविष्य हो पाएगा? अभी तो कुछ सोच नहीं सकते क्या होगा आगे। देखा, कन्फ्यूजन हर किसी के मन में बनी हुई है। पीछे देखिए, अगर हम पीछे कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं तो देखिए, अगर ये खौफ नहीं है तो ये क्या है? अगर ये खौफ नहीं है तो क्या है? युवा आज अपने हक की आवाज़ रखने में भी कतरा रहा है। इनमें से कोई तो आप में से होगा जो अपनी दुविधा, जो अपनी समस्याओं पे कुछ बोल सके। आपसे मैं पूछता हूँ, आप बताइए आपको क्या लगता है, कोर्ट द्वार में इस वक्त भर्तियाँ चल रही हैं, वहाँ पर जितनी धांधलियाँ हो रही हैं, क्या ये उन युवाओं की मेहनत के साथ सही हो रहा है, या फिर क्या ये अग्निपथ योजना आने वाले समय में आप लोगों के लिए फलदायक साबित होने वाली है या नहीं? एक तरीके से तो गवर्नमेंट सही भी कर रही है, मगर कम से कम जितना मतलब टाइमिंग मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है हमको ना। जी, बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी, बाकी तो सही कर रही है मतलब गवर्नमेंट ना, चाहे 4 साल के लिए दो चाहे 4 दिन के लिए दो, मगर मर्दी का जो सपना होता है वो हर किसी का पूरा। पर आपको लगता है कि 4 साल के बाद आप अपना करियर एक बार दोबारा सेटल कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। देखिए, इन्हें ऐसा लगता है कि 4 साल के बाद ये दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पर
कई सारे युवा ऐसे भी हैं जिनका कहना ये है, कैमरे पर आकर तो वो नहीं कहेंगे लेकिन उनका कहना ये भी है कि हम अग्निवीर बनने से अच्छा होटल मैनेजमेंट की लाइन में चले जाए, क्योंकि 4 साल अगर कोई इंडिया में रहकर HM कर ले तो 5वें साल तो अपने आप ही वो फॉरेन कंट्रीज में शेफ लग जाता है। अब चलिए और युवाओं से जानते हैं, आप में से कोई तो निकल कर आइए, कोई तो अपनी समस्या को रखिए, कोई तो वोकल बनिए। देखा तो ये है कुछ खौफ, इन लोगों की भर्तियां अभी हुई नहीं है, होना है, ये भी अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है कि अगर इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो इन्हें भी नहीं पता कि अंजाम क्या भुगतना पड़ेगा। मैं हैंडओवर करूंगा माइक सुजाता जी को, वो कुछ कहना चाहेंगी। मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये सारे लड़के भाग गए थे, भाग क्यों रहे हो, गोली तो सीने पे खाओगे, कैमरे के सामने तो आओगे या नहीं आओगे, डरते हो? 27 तारीख के बाद या अपनी चांस के बाद आओगे, ये बताओ, बताओ कौन कौन आ चुका, जो आ चुका आप देख सकते हैं, ये खौफ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मानक पूरे नहीं हो रहे बेचारे बच्चों के लिए, 5 मिनट 40 सेकंड का समय वो पूरा नहीं दिया जा रहा इन बच्चों को, हाइट के मामले में ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है क्योंकि जो लंबा लड़का है उसको रिजेक्ट कर दिया गया हाइट के बेसिस पर, मगर उस बच्चे को ले लिया गया जो बच्चा उससे कम हाइट का है, तो ये नाइंसाफी नहीं हुई। मैं तो पूछना चाहती हूँ अपने इन बच्चों से, सब भागेंगे, देखा मेरा सामना नहीं कर पा रहे, तुम कैसे सामना करोगे गोलियों का, है मैं आपको बताऊं, भर्ती का 163 सेंटीमीटर हाइट का जो प्रावधान है, 163 सेंटीमीटर पहाड़ी लड़कों के लिए, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं कोटद्वार से जैसी खबरें निकल कर आ रही है, वहां धांधली इस स्तर तक हो रही है कि 170 सेंटीमीटर की हाइट वाले युवक लिए जा रहे हैं। ठीक है, आप में से सुनिए, आप में से कितने युवक ऐसे हैं जिनको पता है कि कोटद्वार में 163 सेंटीमीटर के युवकों की हाइट लेने के बजाय 170 सेंटीमीटर वाले युवकों को लिया जा रहा है, किस किस को पता है? सुनो भाई, आइए आप बताइए, आप प्रबलता से अपने पक्ष को रखिए कि ये धांधलियां जिस तरीके से हो रही है और ये योजना जो है ये युवाओं के लिए कितनी फलदायक है और कितनी नहीं, ये बताओ कि क्या। हमारे साथ पिछली बार युवा थे जिन्होंने भर्ती मारी, वो पिछली बार हाइट में अंदर हो गए थे, पर इस बार 2-3 युवा ऐसे जिन्हें हाइट में भी बाहर किया गया, पहली हाइट में बाहर हुए, पिछली बार वो अंदर चले गए थे, रनिंग की थी रनिंग में बाहर हुए, परंतु इस बार वो हाइट में बाहर हो गए, पहली रनिंग इस बार हाइट में बाहर हो गए, और पिछली बार हाइट में अंदर हो गए थे और रनिंग में बाहर हुए, इस बार हाइट में बाहर कर दिया। जिसके साथ ऐसा हुआ है, देखा ये है इनकी समस्याएं, और अगर इन समस्याओं को ये प्रबलता से उठाएं तो हमारे पास कोटद्वार से भी जहां भर्तियां हो रही वहां से भी तस्वीरें निकल कर आ रही कि युवाओं पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। तो अच्छा आप ये लोग, आप लोग ये बताइए कोटद्वार में आप लोगों की ही कम्युनिटी के, आप लोगों के ही साथ के आपके युवा साथी वहाँ पर भर्तियाँ ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पर उनके ऊपर जो लाठियाँ भांजी जा रही हैं उन उस पर आप लोगों का क्या कहना है, ये सही है या गलत, एक जवाब दीजिए, सही है या गलत है, गलत है या नहीं है? ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये ठीक नहीं है, मगर कुछ लोगों का कहना है ठीक है, क्योंकि जो अनुशासन का पालन नहीं करेगा उस पर लाठी चार्ज भी होगी, और जो अनुशासन का पालन करेगा उस पर लाठी वो चार्ज नहीं करेगा। आवाज उठाना वो लाठी चार्ज के लिए सही होता है, जो अनुशासन में नहीं रहेगा तो उस पे तो लाठी चार्ज होगी, क्योंकि जब उतने बच्चे रहते हैं वहाँ 6,000 के लगभग बच्चे रहते हैं, उन्हें कंट्रोल भी करना होता है हर उस परिस्थिति से, उन्हें वो भी परेशान हुए रहते हैं कई दिनों से, जैसे कि 10-12 दिन से वो भर्ती कराते हैं 10 दिन तक लगातार, तो उसमें वो परेशान भी हो जाते हैं, रात भर वो सोते नहीं है, उससे क्या लेना देना भाई, उससे ये है कि बच्चे अगर उन्हें परेशान करेंगे तो उनपे वो लाठी चार्ज भी कर सकते हैं, अगर बच्चे अपने अनुशासन में बैठे रहेंगे तो क्यों लाठी चार्ज करेंगे। बेटा अगर सिलेक्ट हो गए तो बड़े खुश हो गए, अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो वापस आके यही क्या बोलने वाला है? ना ना ये कभी नहीं बोला, हम सिलेक्ट भी हुए हैं और ना सिलेक्ट भी हुए हैं, मेडिकल में बाहर हुए हैं और कोई रेस में बाहर हुआ है, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि उनका वो गलत रहता है, जिस समय वो आप अनुशासन में रहोगे उस समय वो कुछ वो नहीं करते आप पे। मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने 40,000 वैकेंसी के आसपास ऑल इंडिया निकाल लिया, जिसमें से 46,000 जिसमें से पर स्टेट की मेरे ख्याल से 1200-1300 वैकेंसी आएगी, और उसमें भी हमारी 13 डिस्ट्रिक्ट और गढ़वाल और कुमाऊं में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हमारे गढ़वाल रीजन में मात्र 600 वैकेंसी है, उस 600 वैकेंसी पे कितने 63,000 के आसपास आवेदन आ चुके हैं,
तो वो जो नेता हमें अग्निवीर स्कीम की एक फ़ायदा दिखाते थे कि इतनी भर्ती की जाएगी, इतना ये होगा वो होगा, तो कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ मैम, चार साल से तो यहाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं और चार साल की ड्यूटी के लिए चार साल की दौड़, अपना एक बच्चा पूरी जवानी इस 1600 मीटर की दौड़ में निकाल देता है, 17.5 से लेकर 23 साल तक वो दौड़ते, उस बीच उसे कितनी इंजरीज और कितना क्या क्या झेलना पड़ता है वो एक एथलीट ही देख सकता है। ये लोग नेता नहीं समझेंगे मैम हम लोगों का दर्द, ये लोग वहाँ पर सिर्फ और धानलेबाजी कर रहे हैं, बच्चों के साथ उनका शोषण किया जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो मैम मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमारी जो बीजेपी की सरकार है जिसको युवा लोग इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक युवा ही है जो सबसे ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको बच्चों के भी अरमान समझने चाहिए कि उनके जो वर्दी पाने का सपना था उसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए। मैं कोई वो नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे लेना है, जिस बच्चे ने मेहनत करी है कम से कम उसका तो होना चाहिए, मैं यही बोलना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जिस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है उसका तो होना ही चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? नहीं आप क्या बोल रहे थे, ये सही बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो बेचारे थक जाते हैं इससे तुम्हें आउट, थकने की बात है। कोई कोई लड़के ऐसे भी होते हैं जो पीछे कुछ गलत काम कर लेते, लड़ाई झगड़े करते, तो निकाल देना चाहिए चक्कर जो लाठीचार्ज है। लेकिन वो थक जाए, थकने गए नहीं उनका, लेकिन अगर लड़ाई लड़ाई हो तो करते हो लाठीचार्ज करते हैं, हमने भी खाई है पीछे मार, खाई है बदमाशी करी थी। जब वो फौजियों पे हाथ उठाए गए फर्स्ट दिन जब भर्ती थी ना वहाँ पे, तो फौजी पर उन्होंने हाथ उठाए, जो बेरियल थे वहाँ लगे उसको भी तोड़ा उन्होंने, तब तो पूरे रात भर ऐसे। नहीं ये तो गलत है, शराब पी के भी पहुँच गए थे। लेकिन ये बात जो इन्होंने बोली कि वो बेचारे थक जाते हैं, सोते नहीं है, उनकी तो ड्यूटी है मैम, उनकी ड्यूटी है। वो पहले दिन की बात है, वो चमोली भाई लड़के थे, बाकी जो इतने दिन की हुई टीरी आई पोड़ी आई इन्होंने तो नहीं करा भाई, चमोली वाले थे और चमोली वाले बच्चों के जैसा हमें भी झेलना पड़ा। बिल्कुल, लेकिन ये बात तो गलत हो गई ना, मतलब एक किसी ने गलती करी तो सबने थोड़ी करी, इसलिए ये बात तो गलत है ना। रात को जगना उनकी ड्यूटी है मैम, रात को जगना उनकी ड्यूटी है। कल के दिन अगर हम आर्मी में जाते तो हमें भी जगना पड़ेगा मैम। एग्जैक्टली, और हाइट के हिसाब से तुम्हें हाइट मैम कम की मैम, हाइट बढ़ा रखी थी इस बार, और जनरल बिपिन रावत ने बनाई थी। युवाओं की समस्याएं, अब यहाँ पर कुछ आम नागरिक भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन जी बताइए, चलिए आइए इनसे जानते हैं, चलिए एक देखिए, चलिए आप बताइए आपको क्या लगता है कोटद्वार में जहाँ पर भर्तियाँ हो रही है वहाँ इस तरीके की धांधलियाँ निकल कर आ रही है कि युवाओं के हाइट के मायने जो है उन्हें बदल देते हैं। जी देखो भाई जी, ये बात ऐसी है कि ये हर साल आपका टोटल अग्निपथ योजना को लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए हमारे जो भी मेडिकल फिट होते हैं और रिटर्न में जाते हैं सारे लड़के आज भी अग्निवीर में तैयार है और यही है, और सब मेडिकल फिट लड़के हैं, कम से कम ना हो तो 500-600 लड़के होंगे, हमारे कम से कम 200 बच्चे ही लेते हैं, 185-90 के आसपास जाते हैं 500 में से, और उत्तरकाशी और ये हम गढ़वाल राइफल के नहीं है, अगर हम अनेबल नहीं है गढ़वाल राइफल के लिए तो हमें भर्ती मत निकालो दो डिस्ट्रिक्ट के लिए जी। हमें कभी देते ही नहीं है जी। ऐसा होना नहीं चाहिए, या तो फिर हमें वैकेंसी क्यों दे रहे हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हमारे फॉर्म ही मत भराओ गढ़वाल राइफल के लिए, हमें देते ही नहीं है वैकेंसी सारे, या रेस में भी कम, पिछले साल 95 दे रहे हैं पौड़ी से और देहरादून से 40, मैं फर्स्ट ग्रुप में भागा हूँ, फर्स्ट नंबर पे आया हूँ पिछले साल, फर्स्ट एक्सीडेंट मारे और हमारे में 40 लड़के ले रहे हैं, हमारे बहुत करते हैं भेदभाव हमारे साथ, यही तो 13 लड़के लिए हम हमारे ग्रुप पर टाइमिंग 5:20 के आसपास, टेक्निकल में भी 5:20 टाइमिंग होती है, और पिछली साल थी लेकिन जी आर वाले के लिए 6+ टाइमिंग थी पिछली बार, और कम से कम 70+ बंदे थे, और जी हमारे जी डी का था, हमने खुद मैंने भर्ती मारी, तो हमारे 13 लड़के लिए देहरादून का लास्ट ग्रुप था हमारा जी डी का, तो हमारे साथ हमेशा यही होता है देहरादून वाले लड़के कम लेते हैं। आपका कहना यह है कि पक्षपात और धांधली है? चलिए अभी युवा हमारे साथ जुड़े जी। बार हाइट बढ़ाई थी सर, क्योंकि मैं 2019 और 2020 की भर्ती मैंने मारी थी, उसमें तो मैं अंदर हो गया हाइट में, और इस बार पता नहीं क्या होगा मैं बाहर कर दिया, इतना मतलब इतना बच गया। हाइट क्या है? मैंने तो कलर की मारी थी मैम, मेरे 162 थी, मैं 2 साल से लगातार कलर की मारता था, उस समय अंदर होता था, उस समय मैं बाहर किया, मैं जस्ट उत्तरकाशी के 20 तारीख को थी मेरी भर्ती, 2019 में मारी मैंने, 2020 में मारी मैं, उसमें हाइट में अंदर हो गया था कलर में, इस
बार मैम पता नहीं, मुझे लगता नहीं क्योंकि कम तो होती नहीं, ग्रोथ ही होगी, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगी। रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 2 साल हो गए मैम एक्सरसाइज करते करते, और बाहर कर दिया मैम आपकी बार बाहर कर दिया। चलिए और लोगों से भी यहाँ पर जानते हैं, आप बताइए आपको क्या कहना है अग्निपथ अग्निवीर जो योजना है और जो इन युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरा ये मानना, मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका भी ये मानना होगा कि भारत की जो सबसे प्यारी चीज़ है और जो सबसे कीमती चीज़ है वो है आर्मी। आर्मी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, आर्मी हमें दिखाती है कि इस देश के लोग, इस देश के बच्चे, इस देश का यूथ अपने तिरंगे के प्रति कितना प्यार करता है। दैट्स द ओनली थिंग कि इतने सारे लोग, लाखों और करोड़ों लोग इसका फॉर्म भरते हैं और कुछ ही लोग इसमें रिकमेंड हो पाते हैं। देखिए 71 साल के मोदी जी अगर देश की सेवा कर सकते हैं तो 21 साल का अग्निवीर रिटायर्ड क्यों होगा? इसे क्या समझेंगे आप? ये बड़े मुद्दे की बात कह डाली भाई ने। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना कोई रैंक ना कोई पेंशन, 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं आई है और आ गया है 4 साल का अग्निवीर, जिसमें अग्निपथ स्कीम निकाल दी गई है इन युवाओं के लिए, जहाँ पे कोटद्वार लुधियाना जैसे यू नो डिस्ट्रिक्ट में इनकी भर्ती चल रही है और जिस तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए जब अग्निपथ स्कीम आया तो गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे कही, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो असली प्रॉब्लम जो ग्राउंड लेवल पर चलती है वो देती है, जो आप लोगों को अभी सुनने को मिला इन युवाओं के वजह से कि हाइट में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम दैट दीज यू नो दीज बॉयज आर फेसिंग ड्यूरिंग देयर यू नो जब वो जा रहे हैं, जब वो भर्ती के लिए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए काफ़ी सारी पोस्टें हैं और पहले जब 200 लोग भगाए जाते थे तो 40 या 50 युवाओं को लिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ 8 से 10 लोगों को लिया जा रहा है। सो इसको हम क्या समझें ना? आफ्टर दैट आप ये कहते हैं कि 4 साल के बाद बच्चे में से यू नो उन बच्चों में से 25% लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जो बाहर निकलेंगे, जो अग्निवीर बन के बाहर निकलेंगे, क्या गारंटी है कि उनको 4 साल के बाद एक परफेक्ट जॉब मिल पाएगी? क्या आप 4 साल में ऐसा क्या सिखा देंगे कि आने वाले समय में वो इतना स्टैंड कर जाएगा? देखिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमारी अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ नो बडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। अपनी मदद आपको खुद ही करनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ हम लोगों को, आप लोगों को साथ में उठानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम असली सामने आती है। क्योंकि अभी तक देखिए अभी तक क्या होता था, एक लेवल होता था जब किसी चीज़ को लागू किया जाता था, पहले रिमेंबर होता था, फिर होता था अंडरस्टैंड समझो उसको, फिर उसे अप्लाई किया जाता था, फिर एनालाइज होता था, फिर इवैल्यूएट होता था, तब जाके उस चीज़ को इंप्लीमेंट क्रिएट और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आता था। बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ हुई है मेरे अकॉर्डिंग, द फर्स्ट वन इज रिमेंबर एंड द सेकंड वन इज क्रिएट एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंट। जी जरूर, आपको पता है सरकार में जो लोग बैठे हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट किया इसे, वो सारे 60 पार है, 71 साल के हैं, उन्हें क्या लगता है कि ये 20 साल के युवा देश की सेवा करने में क्या कोई कमी छोड़ेंगे? क्या छोड़ेंगे क्या कोई कमी? आप लोग काबिल नहीं है। और एक और बात यहाँ निकल कर जी 6-7 साल क्योंकि मैं खुद 6th class से 12th तक नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, वहाँ भी एक्सरसाइज, क्योंकि नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो मैं 6th class से तैयारी कर रहा हूँ इस चीज़ की। और उसके बाद 6th से 2013 में मैं 6th में था, आज मैं 2022 में कितने साल हो गए, 8-9 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और सिर्फ 4 साल के लिए थोड़ी कर रहा हूँ मैम, कुछ ड्रीम तो होगा मैम, और वो सिर्फ उन्होंने 4 साल के लिए कर दिया है। और कितने सुनने को मिल रहे हैं मैम घर से कि हुआ नहीं, इतने साल से भाग रहे हैं। खुद जब मैं परसों बाहर हुआ तो मेरे भाई का खुद फोन आया, वो उसने मुझे ताना मार के 1-2 साल और तैयारी कर लेगी, तो अब क्या करूँ मैम? गांव वाले बोले क्या कर रहा है, नहीं हो पा रहा। अब मैम सोचेंगे मैम कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो रह नहीं सकते। तो पुलिस भर्ती के लिए भरा है? हाँ मैम, उसका फिजिकल हुआ है रिटर्न। अच्छा हाकम सिंह, मैम यहाँ भी क्या गारंटी है मैम? फॉर्म आते नहीं है, फॉर्म आते तो फिर एग्जाम होते नहीं, एग्जाम होते फिर उसमें धांधली है मैम। मगर उम्मीद तो कर रहे हैं हम कि एग्जाम होगा। उम्मीद तो वीडियो वालों ने भी की थी मैम, जिन्होंने पेपर निकाला ना उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली। सही बात है, लेकिन ये बात भी है ना कि जो UKSSSC का जो धांधले था वो धांधली सरकार पे कोई भरोसा नहीं है ना मैम। पहले हमने भी एक मतलब ड्रीम लेके गए थे कि इंडियन आर्मी में जाएंगे, तो उन्होंने निकाल दी स्कीम। हाँ। क्या क्या इसीलिए हम पुलिस का भी कर रहे हैं, उनमें भी क्या पता 4 साल का निकाल देंगे। नहीं वो कितना मजेदार था ना, सारे मतलब जितने फौजी अफसर हैं जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों ने, याद है उस टाइम पर बड़ा वो वीडियो वायरल किया था, वो जो लड़का दौड़ रहा था दिल्ली में, प्रदीप मेहरा है ना, और प्रदीप मेहरा की कितनी वाहवाही, वो बेचारा किस चीज के लिए कर रहा था? पूछ लो मैम किसी से, कोई नेता का लड़का नहीं होगा, कोई विधायक नहीं होगा, सभी मध्यम वर्ग के लड़के हैं मैम, हम गांव से आते हैं, और कोई लोकल देहरादून का भी बहुत मुश्किल से होंगे, सारे पहाड़ के लड़के सिर्फ तैयारी के लिए आ रखे हैं मैम, फिर हमारे साथ। सुनिए इनका कहना ये, बोलिए बोलिए क्या कह रहे हो? जैसे उसे अंदर लिया, हमारे साथ के भी ऐसे बंदे हैं
जो परमानेंट यहाँ ग्राउंड में रह रहे हैं और दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें तो कभी ऐसे लिया नहीं। वो बंदे, उस बंदे में ऐसे क्या दिख गया जो उसे ले लिया? ये भी बंदे हैं जो हमेशा फर्स्ट ग्रुप मारते आ रखे हैं, और दूसरे भी बंदे हैं जो हमेशा दौड़ते आ रहे हैं यहाँ, उन्हें तो कभी लिया नहीं। वो किसी को दिखाने की कौन कितनी प्रैक्टिस कर दिया। मैम ऐसे तो कई प्रदीप मेहरा है ऊपर से उत्तराखंड में गढ़वाल रहे, जो हमारे पास साधन क्या है मैम कमाई का? एक वरना फिर आर्मी है, वरना फिर होटल में जाते हैं बंदे। बिल्कुल, इनफैक्ट जब जिस वक्त वो कहा जा रहा था प्रदीप मेहरा के बारे में, तो हम यही तो कह रहे थे हमारे उत्तराखंड में तो कितने प्रदीप मेहरा है। क्या कह रहे थे बेटा? मैम देखो, वो तो मेहनत है, उस लड़के की मेहनत थी, हमारी भी मेहनत है, हमें उनसे मतलब नहीं है। लेकिन अभी नहीं हुआ उसका। देखिए, वो हमारे तरह भी भर्ती किस्मत होती है, वो मेहनत करता है, हम भी ग्राउंड में मेहनत करते हैं। तो मुझे भी 19 से आज तक मैं दौड़ते आ रहा हूँ। 19 से दौड़ रहे हो? 19 से मैंने भी रनिंग करी है, अभी कोर्ट ने भर्ती मार दी, मैं डॉक्यूमेंट्स में अपने गलती से बाहर हुआ हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है उनमें। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, जो बच्चा भी हमारा देहरादून और हरिद्वार जो भी बाहर होता है रिटर्न में, वो दुखी हमारी कौन सी मेरिट जाती है, और उनकी 1-10, 1-15, 1-20 सिलेक्शन हो जाता है। हमारा 150 पे भी लड़के का सिलेक्शन नहीं होता, कारण क्या है? हम यही पूछना चाहते हैं इनसे। ये जरूर दिखा है कि पक्षपात और धांधलियां तो यहाँ जमकर हो रही हैं। और देखिए, ये युवा है, ये सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाएं या सरकार से अनुरोध भी करें कि वो इनके हित में कुछ करें, तो इन्हें भाई देश विरोधी कह दिया जाता है। आप बताइए, आप भारत माँ के सेवक है या नहीं है? लगा दीजिए नारा एक बार, भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 वंदे। बताइए क्या कहना है आपका? अग्निपथ योजना और ये जो सरकार जिस तरीके से युवाओं की अनदेखी कर रही है, युवाओं की आवाज़ को दबाने को कुचलने की जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है बताइए? देखो, युवा की आवाज़ दबाई नहीं जा रही है, युवा को मेहनत करने की जरूरत है। जो किसी चीज में असफल होता है उसको उस चीज से सीखना है। आपको क्या लगता है कि 4 साल के बाद अग्निपथ, जब युवा जब दोबारा से एक बार फिर बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या लगता है युवाओं के लिए कितना सफल रहेगा? उसके लिए पुष्कर धामी जी ने बहुत अच्छी सुविधा दी है कि हम खाली घर में नहीं बैठने देंगे, उनको रोजगार दिया जाएगा। अगर कोई संघर्षशील आदमी होगा वो कुछ ना कुछ कर सकता है घर में बैठ के भी। जी, आपसे आपने अभी तक देखा किसी भी नेता, जैसे बीजेपी से हमें सुनने को मिला, वो कहते हैं कि जैसे युवा जो है बेरोजगार होंगे तो उन्हें बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रख दिया जाएगा। तो क्या आप कबूलेंगे ये ऑफर अगर आपको पुष्कर सिंह धामी जी दें कि भाई आप हमारे जो है बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी में लग जाए? मैं बिल्कुल भी नहीं लगूंगा, लात मार दूंगा। तो आपको लगता नहीं अपमान है युवाओं का? अगर भाजपा का कोई एक वरिष्ठ नेता ये कहता है, ये तो देश का अपमान हो रहा है ना। ये देश का अपमान है, सही बात है, ये देश का अपमान है। अब एंडिंग में हम सुजाता मैम को माइक हैंड ओवर करते हैं। और देश का अपमान, मेरे बच्चों का अपमान ये कर रही है ये सरकार। अगर अग्निपथ योजना में आप भर्ती कर रहे हैं इस वक्त, तो पहले तो मानकों के हिसाब से करिए, और उसके बाद दोबारा सोचिए, क्योंकि आपका तो काम ही है दोबारा सोचना, तिबारा सोचना। नोटबंदी करी थी तो कितने उसमें बदलाव किए थे, और GST लाए थे तो बदलाव ही बदलाव हुए थे, मगर जो तिरंगे की शान के लिए जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि सेना में भर्ती हो जाए, उस माँ के लाल को नमन करने की जरूरत है, सैल्यूट करने की जरूरत है। इसलिए उनका मान करिए, उनका सम्मान करिए, उनको परमानेंट नौकरी।